नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत। आमतौर पर आप लोग यह समझते हैं कि अरस्तु ने सिर्फ त्रासदी का सिद्धांत दिया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने त्रासदी के साथ साथ कॉमेडी पर भी विचार किया है। त्रासदी मतलब होता है ट्रेजडी और कॉमेडी मतलब होता है कॉमेडी। तो आइए देखते हैं अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत। त्रासदी मतलब ट्रेजडी और कॉमेडी मतलब कॉमेडी। ट्रेजडी को हिंदी में त्रासदी कहते हैं और कॉमेडी को कॉमेडी कहते हैं। तो जब नाटकों पर इन्होंने विचार किया तो इन दोनों पर ही विचार किया है। आज हम देखेंगे कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कौन कौन से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं। अरस्तु के बायोग्राफी के बारे में मैंने पिछले दो एपिसोड्स में बताया हुआ है आपको, और अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत पर मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है। लेकिन ये पॉइंट वाइज नोट्स हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, तो आप बायोग्राफी के लिए आप मेरे पिछले दो एपिसोड्स देखें। आइए शुरू करते हैं। अरस्तु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पोएटिक्स में ट्रेजडी मतलब दुखांतक नाटक एवं एपिक महाकाव्य तथा कॉमेडी सुखांतक नाटक की चर्चा की है। उनका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है वह पोएटिक्स, इसमें इन्होंने किस किस पर विचार किया है? ट्रेजडी, ट्रेजडी को बोलते हैं हिंदी में त्रासदी, और इसका मतलब है दुखांतक नाटक जिसका अंत होता है दुख और करुणा से। इसके बाद इन्होंने एपिक मतलब महाकाव्य पर भी विचार किया है इसी ग्रंथ में, और कॉमेडी, कॉमेडी मतलब सुखांतक नाटक पर जिसका अंत सुख से होता है, इसे हम कहते हैं सुखांतक नाटक या फिर कॉमेडी कहते हैं हिंदी में, और कॉमेडी, इन सब पर इन्होंने चर्चा की है। पोएटिक्स के छठे से ग्यारहवें अध्याय में ट्रेजेडी का विवेचन अरस्तु ने किया था। पोएटिक्स नाम की जो इनकी किताब है इसके अध्याय 6 से लेकर अध्याय 11 तक इन्होंने ट्रेजेडी पर विचार किया है, इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब हम देखते हैं अरस्तु ने ट्रेजेडी को सर्वाधिक महत्व दिया था। इन्होंने कॉमेडी और एपिक और ट्रेजेडी, इन तीनों की जब तुलना की तो इन्होंने ट्रेजेडी को सर्वाधिक महत्व दिया है। इनके लिए ट्रेजेडी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ट्रेजेडी के प्रयोजन मतलब ट्रेजेडी के लिखने का उद्देश्य क्या है, इस पर जब इन्होंने चर्चा किया तब इसी चर्चा के क्रम में उन्होंने विरेचन सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो विरेचन सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं कि विरेचन के द्वारा हमारे मन में करुणा और त्रास की भावना जगाकर क्या किया जाता है, हमारी भावनाओं को उत्तेजित कर दिया जाता है और फिर बाद में हमारा मन शांत हो जाता है चरम स्थिति पर पहुंचने के बाद। तो ट्रेजडी पर जब उन्होंने विचार विमर्श किया तो ट्रेजडी पर विचार विमर्श के दौरान ही उन्होंने विरेचन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, यह आपको ध्यान में रखना है। अरस्तु ने नाटक के मुख्य रूप से दो भेद माने हैं अरस्तु ने, एक तो है त्रासदी ट्रेजडी और दूसरा है कॉमेडी मतलब कॉमेडी। ट्रेजडी मतलब होता है दुखांत नाटक और कॉमेडी मतलब होता है सुखांतक नाटक जो सुख से समाप्त होता है। त्रासदी का लक्ष्य क्या है, ट्रेजेडी लिखने का या फिर त्रासदी का लक्ष्य क्या है, यह सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। त्रास और करुण भावों की उद्बुद्धि मतलब त्रास की भावना, त्रास मतलब क्या होता है नीचे यहां पर मैंने स्पष्ट किया है, त्रास मतलब अनिष्ट का डर, कुछ गलत हो जाने, कुछ अनिष्ट हो जाने, अपशगुन हो जाने का डर या भय या खौफ या कष्ट या तकलीफ, इन्हें बोला जाता है त्रास। तो त्रासदी का लक्ष्य क्या है, त्रास और करुण भावों की उद्बुद्धि, त्रास और करुण भावों को जागृत करना, उत्पन्न करना। और कॉमेडी का क्या लक्ष्य है, कॉमेडी का लक्ष्य क्या है, हर्ष अथवा हास्य का उद्बोधन। कॉमेडी का लक्ष्य है हमारे मन में प्रसन्नता अथवा उत्साह अथवा हर्ष अथवा हास्य, हास्य मतलब हंसी मजाक, इसको जागृत करना। तो त्रासदी का उद्देश्य भव्यतर चित्रण होता है, जबकि कॉमेडी में मानव जीवन का अपेक्षाकृत हीनतर वर्णन होता है। कॉमेडी की विस्तृत विवेचन का अरस्तु में अभाव है। अरस्तु ने ट्रेजडी को अधिक महत्व दिया था और कॉमेडी को उन्होंने कम महत्व दिया तथा इस पर बहुत कम चर्चा की कॉमेडी के ऊपर। तो त्रासदी का उद्देश्य क्या है, भव्यतर चित्रण करना, भव्यतर मतलब बहुत भव्य ढंग से दिखाना, करुणा और त्रास के भाव को बहुत ही भव्य ढंग से दिखाना। तो जब त्रासदी का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का भव्य रूप में चित्रण करना, और कॉमेडी का क्या है, जीवन का हीनतर वर्णन करना, मतलब हंसी मजाक सब उनके हिसाब से फालतू चीज है, हीनतर है। तो करुणा और त्रास के भावना को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया था। और इन्होंने कहा है त्रासदी
गंभीर स्वतः पूर्ण निश्चित आयाम से युक्त कार्यक्रिया अनुकृति का नाम है। त्रासदी को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि त्रासदी कैसा होना चाहिए, एक ऐसे कार्य का अनुकरण होना चाहिए जो कि गंभीर है, एक ऐसा कार्य जो गंभीर कार्य है, जो स्वतः पूर्ण है, अपने में कंप्लीट है, सेल्फ सफिशियंट है और निश्चित आयाम है, जिसका निश्चित विस्तार है। मतलब त्रासदी किसका अनुकरण है, त्रासदी एक ऐसे कार्य का अनुकरण है जो कार्य गंभीर है, जो कार्य स्वतः पूर्ण है, सेल्फ सफिशियंट है और जिसका निश्चित आयाम है, इसका विस्तार क्षेत्र निश्चित है। इन सब का ऐसे कार्यों का जब अनुकरण होता है तब त्रासदी जन्म लेती है। तो आयाम मतलब होता विस्तार। इन्होंने त्रासदी को इस प्रकार परिभाषित किया है। अरस्तु के अनुसार ट्रेजिडी की परिभाषा के मूल तथ्य इस प्रकार है। मतलब ट्रेजिडी को यदि कहा जाए अरस्तु के हिसाब से ट्रेजिडी क्या है, तो ट्रेजिडी क्या है इनके हिसाब से, ट्रेजिडी दुखांतक कार्य व्यापार का अनुकरण है। मतलब ट्रेजिडी वास्तव में क्या है, दुखांतक नाटक क्या है, कार्य व्यापार का अनुकरण है, ह्यूमन एक्शंस का अनुकरण है, उसको फॉलो करना है, उसको इमिटेट करना है। और दूसरा, यह कार्य व्यापार कैसा होना चाहिए, यह जो ह्यूमन एक्शन है, व्यक्तियों के जो कार्य है कैसा होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, गंभीर कार्य, और कार्य पूर्ण होना चाहिए और कार्य विस्तृत होना चाहिए। तो यह सभी उनके हिसाब से उन्होंने त्रासदी के मूल में ये सारी चीजें होनी चाहिए। अरस्तु ने त्रासदी विवेचन में तीन प्रकार के कथानकों का संकेत किया है। कथानक मतलब होता है प्लाट या कथा वस्तु। अरस्तु के अनुसार त्रासदी विवेचन में तीन प्रकार के कथानक होते हैं। इनके हिसाब से तीन प्रकार के प्लाट्स होते हैं। पहला होता है दंत कथा या मूल कथा, दंत कथा मूलक। दंत कथा मूलक मतलब होता है कल्पित, कल्पित कथा कहानियों को बोलते हैं दंत कथा। तो एक प्लाट यह हो सकता है त्रासदी का, कल्पित हो सकता है। दूसरा है कल्पना मूलक, पूरी तरह जो कल्पना पर बेस्ड होता है। दंत कथा वास्तव में जो पुराण वगैरह है, हमारे पुरानी किंवदंतियां, उन पर आधारित होता है। और दूसरा कल्पना मूलक, पूरी तरह से हमारे फैंटेसी, हमारी कल्पना पर आधारित होता है। और तीसरा है इतिहास मूलक, इतिहास पर आधारित होता है। तो यह सारी चीजें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन त्रासदी के कथानक में शामिल नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी बिंदु मैं आपको बता रहा हूं परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कथा वस्तु के निम्नांकित गुण अरस्तु ने माने हैं। कथा वस्तु अथवा कथानक अथवा प्लाट में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला है एकान्वित, एकान्वित अर्थात एक ही कार्य, कार्य का एकता, मतलब एक ही कार्य का वर्णन किया जाना चाहिए शुरू से अंत तक। मतलब बहुत सारा कथा का विस्तार नहीं होना चाहिए, एक ही प्रकार की कथा होनी चाहिए। दूसरा पूर्णता, यह कंप्लीट भी होना चाहिए। कथा वस्तु ऐसा होना चाहिए कि अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, त्रासदी को देखने के बाद कोई मन में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रह जाना चाहिए। इसके बाद संभाव्यता, किस बात की होने की संभावना है, यह संभाव्यता भी उसमें कथा वस्तु में होना चाहिए। मतलब जैसे ट्रेजिडी को देख रहे हैं दर्शक, तो उनके मन में एक विचार जन्म लेना चाहिए कि यह होने की संभावना है, यह हो सकता है, यह हो सकता है। इसके बाद सहज विकास, जो कथानक का विकास सहज रूप से होना चाहिए, जो दर्शक को देखने में अच्छा लगे और बहुत ही स्वाभाविक रूप से कथा का विकास होना चाहिए, ऐसा ना लगे कि कोई चीज बेवजह वहां पर बीच में घुसा दी गई है कथा या प्लाट में। इसके बाद कुतूहल वर्धक, वर्धक आकस्मिकता, दर्शकों के मन में कौतूहल का भाव भी होना चाहिए और आकस्मिक घटनाओं का भी उसमें समावेश होना चाहिए कि दर्शक जो एक्सपेक्ट नहीं किए वो भी अचानक हो जाए। और दूसरा, शुरू से अंत तक दर्शकों के मन में जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसके बाद होता है साधारणीकरण। साधारणीकरण का तात्पर्य पात्रों की जो भावनाएं हैं, पात्र जिस भी, जो भी कैरेक्टर हैं और जिस भी किरदार में हैं, उनकी जो भावनाएं हैं वे दर्शकों की भावनाओं के साथ उनका तादाद में स्थापित होना चाहिए। दर्शकों को यह लगना चाहिए कि जो पात्रों की जो भावनाएं हैं वह उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं को ही पात्रों के द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान की जा रही है। तो जैसे भगवान राम वन को जा रहे हैं, तो भरत जी के मन में जो उनके पिता के मन में या जो करुणा के भाव है, या उनके जो वहां रहने वाले जो निवासी हैं, अयोध्या में रहने वाले जो लोग हैं, उनके मन में जो करुणा और दुख का भाव है कि हमारे राजकुमार वहां जंगल में जाना पड़ रहा है, उनके प्रति जो प्रेम है, तो उनके मन में जो दुख है वह दर्शकों को भी महसूस होना चाहिए। जैसे माता यशोदा का बालक कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, दर्शकों के मन में भी उसी प्रकार का वात्सल्य भाव जन्म लेना चाहिए। तो इसे कहते हैं साधारणीकरण। अब अरस्तु कथानक के दो भेद मानते हैं। कथानक अथवा कथा वस्तु अथवा प्लाट दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल और दूसरा है जटिल कथानक। इन्होंने जटिल कथानक के इन्होंने तीन अंग माने हैं। जटिल जो कथानक होता है, कॉम्प्लेक्स जो प्लाट होता है, उसके तीन प्रकार के अंग होते हैं। पहला है महान त्रुटि,
जिसे उन्होंने हेमरटिया कहा है, कुछ किताबों में हेमरशिया भी मिलता है। दूसरा है स्थिति विपर्यय, परपेटिया या परपेशिया, और तीसरा है अभिज्ञान, अनाग्नोरिसिस। तो ये हमको ये अंदर टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाना है, हमको हिंदी में याद रखना है महान त्रुटि, स्थिति विपर्यय और अभिज्ञान। इनका मतलब आगे बता रहा हूं मैं आपको। मतलब कथानक, जटिल कथानक के तीन अंग होते हैं। पहला है महान त्रुटि, कोई बहुत बड़ी गलती। महान त्रुटि से क्या तात्पर्य? महान त्रुटि से तात्पर्य नायक के उन भूलों से है जो नायक परिस्थितिवश अथवा अज्ञानतावश कर बैठता है, लेकिन अज्ञानतावश चारित्रिक पतन नहीं होता उसका। इसके लिए अरस्तु ने हेमरतिया अथवा हेमरशिया शब्द का प्रयोग किया है। महान त्रुटि मतलब गायक, महान त्रुटि मतलब नायक का वह भूल, नायक की वह गलती जो परिस्थिति के कारण अनजानेवश हो जाती है। मतलब जानबूझकर वो गलती नहीं करता, कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो उसकी जिंदगी की दिशा को मोड़ देता है, है ना, उसको ट्रेजेडी में डाल देता है, दुखद परिस्थितियों में डाल देता है, लेकिन वास्तव में वह जानबूझकर ऐसा नहीं करता, उसका चारित्रिक पतन यहां पर नहीं होता है। मतलब जो नायक परिस्थिति के कारण उससे कुछ गलती हो जाती है, अज्ञानतावश कुछ गलती हो जाती है, उसे कहते हैं महान त्रुटि, लेकिन इसमें चारित्रिक पतन नहीं होता। स्थिति विपर्यय से क्या तात्पर्य है? जो जटिल कथानक का जो दूसरा अंग है वह है स्थिति विपर्यय। इससे अरस्तु का तात्पर्य ऐसे परिवर्तन से है जिसमें नायक की इच्छा और आशा के विपरीत कुछ घटित हो जाता है। तो स्थिति विपर्यय कैसे करते हैं, किसको कहते हैं? कि नायक कुछ और चाहता है और वह कुछ और जाता है। नायक की इच्छा कुछ और रहती है, उसकी आशा कुछ और रहती है, और जस्ट अपोजिट हो जाता है। कुछ ऐसा हो जाता है अप्रत्याशित तौर पर जिसको नायक ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है, ना ही वो उसकी इच्छा की है उसने। इसे कहते हैं स्थिति विपर्यय। और जटिल कथानक का स्थिति विपर्यय को कुछ विद्वानों ने क्या कहा है? स्थिति विपर्यय को बूचर नाम के जो विद्वानों ने कहा है भाग्य का विपर्यय, भाग्य का बदल जाना, पलट जाना। एटकिंस ने कहा है परिस्थिति वैषम्य, परिस्थितियों की विषमता। ल्यूकस ने कहा है भाग्य विषमता, भाग्य की विषमता। और पार्ट्स कहते हैं घटनाओं की विषमता। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इसकी विवेचना की है। और जटिल कथानक का जो तीसरा अंग है वह है अभिज्ञानता। अभिज्ञान का मतलब क्या होता है? इसमें सत्य का उद्घाटन होता है और वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाता है। मतलब इसमें सत्य का उद्घाटन होता है, जो बात सत्य रहता है वह अंत में उद्घाटित हो जाती है कि वास्तव में सच्चाई यह है। हम कुछ और सोचते रहते हैं लेकिन सच्चाई कुछ और होती है, और उसको नायक को वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाता है कि यह इस कारण से ऐसा हुआ। इसके बाद त्रासदी के संगठन संबंधी रचना विधान के अंतर्गत अरस्तु ने चार अंगों का उल्लेख किया है। रचना विधान मतलब होता है पूरा रचना मतलब का निर्माण करना। रचना के निर्माण में, त्रासदी के निर्माण में चार अंग महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब त्रासदी का निर्माण इन चार अंगों से मिलकर होता है। पहला है प्रस्तावना अथवा इंट्रोडक्शन। इसमें क्या क्या आता है प्रस्तावना में? त्रासदी का आरंभिक भाग जो वृंद गान से पहले रहता है और कथानक के लिए भूमिका प्रस्तुत करता है। तो प्रस्तावना में क्या होता है, जैसे कोई मंच पे सूत्रधार आता है या फिर किसी बाद में जो मुख्य जो उसका करेक्टर होता है या फिर कोई सूत्रधार होता है वह आकर बताता है कि भाई ये उसे में हम आज देखने जा रहे हैं, जो भी उसके बारे में बताता है, प्लॉट के बारे में बताता है, जो वृंद गान से पहले रहता है। वृंद गान को कहते हैं कोरस। कोरस मतलब बहुत से लोग जो मिलकर गाते हैं उसे कहते हैं हम कोरस। एक होता है मुख्य गायक, और मुख्य गायक को साथ देने वाले गायक की मंडली होती है उसे कहते हैं कोरस। तो प्रस्तावना में क्या क्या आता है? त्रासदी का आरंभिक भाग है यह वृंद गान से पहले रहता है, कोरस गायन से पहले इंट्रोडक्शन रहता है, और यह कथानक के लिए भूमिका प्रस्तुत करता है। वह बताता है कि आज की कथा में क्या क्या हम देखेंगे। इसके बाद होता है उपाख्यान। उपाख्यान मतलब होता है एपिसोड्स। वह समग्र अंश जो वृंद गान के बीच होता है, अर्थात कथानक का वह भाग जो पूर्ण होता है। अब कोरस से पहले वह कंप्लीट अंश होता है और जो कथानक का पूर्ण भाग होता है, तो इसे कहते हैं एपिसोड। जैसे आपने वो देखा होगा रामायण अथवा महाभारत दूरदर्शन में, तो वृंद गान के बीच में अपन सबसे पहले क्या होता था, जब हम दूरदर्शन में रामायण महाभारत देखते थे तो पहले कोरस की आवाज सुनते थे गाना अथवा श्री महाभारत कथा करके, तो ये जो है कोरस है। इसके बाद हमारा एपिसोड होता था, इसको बोलते हैं एपिसोड, और यह प्रत्येक एपिसोड अपने में कंप्लीट होता था, है ना। तो उसके बाद फिर नई कथा चालू हो जाती थी या उससे इंटर रिलेटेड जो भी रहता था, तो यह पूर्ण होता है, इसे कहते हैं एपिसोड। अब जैसे आप वीडियोज में जो आप लेक्चर वो देखते हैं एपिसोड, वही एपिसोड से मतलब है। उपाख्यान में क्या क्या आते हैं? वह समग्र जो वृंद गान के बीच होता है और कथानक का वह जो भाग पूर्ण होता है, मतलब दो कोरस के बीच में क्या होता है, एपिसोड होता है। उपसंहार किसे कहते हैं? खत्म कब होता है उपसंहार, एक्सोड। त्रासदी का वह अंश जिसके बाद कोई वृंद गान नहीं होता। तो इसके अनुसार क्या है अरस्तु के अनुसार, कि त्रासदी में जो
उपसंहार होता है, उसके बाद कोई फिर कोरस नहीं होता है। नाट्य शास्त्र में इसे कहते हैं काटेस्ट्रोफी कहते हैं। इसके बाद है वृंदगान। वृंदगान मतलब कोरस किसे कहते हैं? वह सामूहिक गान जिसमें गायक मंच पर आकर त्रासदी की घटनाओं की समीक्षा करता है। तो इसमें देख त्रासदी में जो जो घटनाएं होती है उसके बारे में एक कोरस गाना गाता है। तो जो कोरस होता है पहले मुख्य गायक गाता है, इसके बाद एक कोरस लोग गाते हैं, घटनाओं की समीक्षा करते हैं। अवृंद गान के भी दो भेद होते हैं, कोरस के दो भेद होते हैं। पूर्व गान मतलब कोई एपिसोड चालू होने के पहले पूर्व ज्ञान होता है और बाद में क्या होता है उत्तर ज्ञान, उत्तर गान होता है अंत में। त्रासदी के इस अंग से प्रेक्षक या दर्शक को राहत मिलती है। ये सब उनके विचार हैं त्रासदी के बारे में। तो बीच बीच में जब आकर जो गाना गाते हैं कोरस और यह सब मुख्य जो गायक होते हैं कोरस वाले, तो दर्शक को अच्छा लगता है गाना सुनकर। बेसिकली आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, मैं तो आपको पूरा समझा रहा हूं। त्रासदी का दूसरा प्रमुख घटक कौन सा होता है? चरित्र चित्रण इसका दूसरा प्रमुख घटक होता है, चरित्र का चित्रण, जिसके लिए अरस्तु ने इथोस शब्द का प्रयोग किया है। यह त्रासदी का दूसरा मुख्य घटक होता है। और चरित्र के अंतर्गत कैरेक्टराइजेशन के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण है कि जो त्रासदी का जो मुख्य पात्र है, मेन जो करेक्टर है, वह अच्छा होना चाहिए, भद्र होना चाहिए और स्त्री और दास में भी भद्रता होनी चाहिए। मतलब केवल पुरुष पात्र ही नहीं बल्कि स्त्री और दास के रूप में जो पात्र हैं वह भी भद्र होने चाहिए। उस समय दास प्रथा प्रचलित रही होगी यूनान में। इसके बाद दूसरा है पात्रों का चरित्र चित्रण, पात्रों का जो करेक्टराइजेशन है, उनकी प्रकृति, उनकी मूल भावना प्रवृत्ति कैसी है, उनके इमोशंस और फीलिंग्स, उनकी जाति या वर्गगत विशेषताओं के आधार पर औचित्यपूर्ण होना चाहिए। जैसे वह गुस्सेल है तो गुस्सेल प्रकृति का होना चाहिए, और किस जाति या वर्ग को वह बिलोंग करता है उसके हिसाब से होना चाहिए, है ना, किस जाति संप्रदाय धर्म को जो बिलोंग करता है, या वर्गगत मध्यम वर्ग का है कि उच्च मध्यम वर्ग का है कि निम्न मध्यम वर्ग का है कि अभिजात्य वर्ग का है, इसके आधार पर वह चरित्र औचित्यपूर्ण होना चाहिए। इसके बाद चरित्र जीवन के अनुरूप होना चाहिए, ट्रू ऑफ लाइफ होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऐसा चरित्र हो जाए कि जो कि पॉसिबल ही नहीं हो। तो ऐसा लगना चाहिए कि नहीं हमारे बीच का ही है कोई पात्र है। चरित्र में एकरूपता होनी चाहिए। चरित्र में क्या है, एक जैसे चरित्र लगभग मतलब एकरूपता होनी चाहिए, मतलब व्यक्तित्व में शुरू से अंत तक उसमें एकरूपता होनी चाहिए, या फिर लगभग एक जैसे चरित्र होने चाहिए, मतलब उटपटांग टाइप का चरित्र करेक्टराइजेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद अरस्तु त्रास और करुणा के भावों के सफल अनुकरण से ही आनंद की सृष्टि मानते हैं। मतलब अरस्तु का कहना है कि आनंद की सृष्टि कब होती है, जब त्रास और करुणा के भाव का सही ढंग से अनुकरण किया जाता है, इसको इमिटेट किया जाता है, तभी आनंद का सृजन होता है। मतलब त्रासदी के मूल में क्या है, त्रास और करुणा के भावों का अनुकरण करना, और जब त्रास और करुणा के भावों का सही ढंग से अनुकरण कर लिया जाता है तो आनंद की सृष्टि हो जाती है। तो त्रासदी का ये विरेचन सिद्धांत जो उन्होंने दिया उसका भी यही उद्देश्य है कि त्रास और करुणा के भाव हमारे मन में जागृत करना है, उनको चरम स्थिति में पहुंचाना है, उसके बाद हमारा मन शांत हो जाता है या दर्शकों का मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब वो आनंद की सृष्टि हो जाती है। इसे विरेचन सिद्धांत कहते हैं। तो त्रासदी का मुख्य कार्य क्या माना है उन्होंने, त्रास और करुणा के भावों को जगाना। अतः नायक ऐसा होना चाहिए जिसके व्यक्तित्व को देखकर या पढ़कर हमारे मन में दोनों भाव जागृत हों। तो त्रासदी का कैरेक्टर या नायक कैसा होना चाहिए, त्रासदी का हीरो कैसा होना चाहिए, नायक कैसा होना चाहिए कि उसके बारे में पढ़कर या उससे उसके नाटक को देखकर हमारे मन में त्रास और करुणा का भाव जागृत होना चाहिए। ये दोनों भाव जागृत होंगे तभी त्रासदी जन्म लेती है और इसके बाद हमारा मन शांत हो जाता है, विरेचन के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है। अब अरस्तु के अनुसार त्रासदी के आदर्श नायक में निम्न गुण होना चाहिए। जो आइडियल जो हीरो कैसा होना चाहिए, हीरो में कैसे क्या क्या गुण होने चाहिए आइडियल हीरो में, आदर्श नायक में अरस्तु के अनुसार निम्न गुण होने चाहिए। पहला है नायक को हमारे जैसा ही होना चाहिए, द इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन। या तो नायक हमारे जैसा आम जीवन से हमें दिया हुआ होना चाहिए, जैसे कि हमारी जिंदगी है आम लोगों की। दूसरा, उसे अत्यंत वैभवशाली यशस्वी और कुलीन होना चाहिए। एक नायक तो साधारण हो गया जो आम जिंदगी से हम देखते हैं उठाते हैं, दूसरा नायक कैसा होना चाहिए, वैभवशाली यशस्वी और कुलीन होना चाहिए। किसी राजघराने का होना चाहिए, अभिजात्य वर्ग का होना चाहिए, कुलीन वर्ग का होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, उसके चरित्र में सत के साथ असत का भी कुछ अंश होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई नायक है बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमजोरियां नहीं है। मतलब नायक में सच्चाई, ईमानदारी, धैर्य, आत्मविश्वास, ये सारे गुण तो होने चाहिए। सत मतलब अच्छे गुण तो उसमें होने चाहिए, लेकिन उसमें मानवीय दुर्बलताएं भी होनी चाहिए। उसमें जैसे घृणा है, पाप है, या और भी कई दुर्गुण है, हाँ, मतलब थोड़ा बहुत उसमें असत का अंश भी होना चाहिए। मतलब ऐसा हीरो को हमको बिल्कुल परफेक्ट नहीं दिखा देना है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई दुर्गुण ना हो,
यह तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई पूरी तरह से परफेक्ट रहे। इसलिए हीरो में जो नायक है उसमें सत मतलब अच्छे के साथ साथ अच्छे गुणों के साथ साथ कुछ दुर्गुण भी होना चाहिए, तभी लगेगा कि वह हमारे जैसा कोई ह्यूमन बींग है और मानवीय धरातल पर मानवीय चेतना से युक्त है जिसमें अच्छाइयों के साथ साथ कमजोरियां भी हैं और बुराइयां भी हैं। और अरस्तु ने गीत को त्रासदी का महत्वपूर्ण अंग माना है। तो अरस्तु ने बताया कि जो गीत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है त्रासदी का, इसलिए बीच बीच में कोरस लोग आके गाना गाते हैं, और कहा है कि इसके माध्यम से त्रासदी का विषय और वातावरण गंभीर प्रभावशाली और भव्य होता है। तो गीत को उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण दिया स्थान दिया है त्रासदी में, क्योंकि त्रासदी में गीतों के माध्यम से ही जो त्रासदी का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय है और जो उसका वातावरण है वह गंभीर होता है, प्रभावशाली और भव्य होता है। तो आज भी देखे होंगे यहाँ पे नाटक वाटक देखेंगे बीच में कोरस वोरस लोग आकर गाते हैं या फिर कोई गायक गाता है, तो इससे क्या है वातावरण थोड़ा अच्छा बन जाता है। अब इसके बाद दृश्य विधान मतलब जो सीन है, सीन कैसे बनाना है, और रंगमंच सज्जा मतलब रंगमंच को सजाना, और दृश्य विधान मतलब वेरियस सीन्स। दृश्य विधान अर्थात रंगमंची सज्जा के संबंध में अरस्तु की मान्यता है कि इसका संबंध कवि की अपेक्षा शिल्प कार्य निर्देशक से ज्यादा है। जहां तक दृश्य विधान की बात है, जहां तक रंगमंच को सजाने की बात है, स्टेज को सजाने की बात है, तो इसका संबंध कवि या लेखक से नहीं होता, बल्कि इसका संबंध किससे होता है, डायरेक्टर से होता है। और डायरेक्टर अपने हिसाब से उसको सजवाता है कि भाई इस तरह से हमको स्टेज को सजाना है हमको, तो यह उसका काम है। और जो ये जो दृश्य विधान है रंगमंची सज्जा, रंगमंच की जो साज सजावट है, जो पर्दे वगैरह हैं, जो विभिन्न आइटम वगैरह वहां पर लगाते हैं, तो यह नाटक के प्रभाव में वृद्धि तो कर सकता है पर उसका उत्पादक कारण नहीं बन सकता है। इनका कहना है ठीक है कि आप बहुत अच्छे से आपने स्टेज को सजा दिया है तो आपका नाटक प्रभावशाली, आपके नाटक के जो प्रभाव है उसका जो इंप्रेशन है, जो इसका इफेक्ट है, उसमें तो वह वृद्धि करेगा, लेकिन यह उत्पादक कारण नहीं बन सकता। ऐसा कि नहीं आपने कोई स्टेज को अच्छे से सजा दिया और उस आप सोचते हैं कि आपका नाटक प्रभावशाली हो जाएगा, तो यह ऐसा नहीं है। प्रभाव उत्पन्न नहीं करता बल्कि प्रभाव में वृद्धि करता है। अब त्रासदी में पद रचना पदावली के अंतर्गत अरस्तु निम्न को महत्वपूर्ण मानते हैं। त्रासदी में जो कोरस गायन होता है अथवा जो गायन होता है, जो गीत की जो रचना की जाती है त्रासदी के लिए, उसके अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए अरस्तु के हिसाब से, अलंकृत भाषा मतलब जिसमें अलंकार वगैरह का बहुत सुंदर सजावट वाली भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, अलंकृत भाषा, सुंदर भाषा जिसको सजाया गया हो, जिसमें लय और सामान्य, जिसमें लय सामंजस्य और गीत का समावेश हो। मतलब पदावली कैसी होनी चाहिए जिसको गायक लोग बहुत अच्छे से गा सके और जिसको संगीतमय ढंग से नाटकों के दौरान प्रस्तुत किया जा सके वाद्य यंत्रों के साथ, तो ऐसा होना चाहिए पदावली। उसके बाद त्रासदी है तो पद्य अर्थात शब्दों का छंदबद्ध विन्यास हो। पद्य कैसे होने चाहिए, उसमें छंद भी होने चाहिए, अलंकार भी होना चाहिए, मतलब सही ढंग से उसका गठन होना चाहिए, सही ढंग से शब्द विन्यास होना चाहिए, शब्दों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसको गाने में और सुनने दोनों में मजा आए। इसके बाद उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, पद्य की भाषा, भाषा का प्रसाद गुण, प्रसाद गुण मतलब होता है सरल और सुबोध भाषा जिसको आम जनता समझ सके, बहुत सरल और सहज भाषा होनी चाहिए और क्षुद्र ना होना, मतलब बिल्कुल वो टाइप का नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से, मतलब एकदम जो लो स्टैंडर्ड का नहीं होना चाहिए, भाषा भी अच्छी होनी चाहिए, सहज सरल होनी चाहिए। इस प्रकार जिस प्रकार त्रासदी का विषय भव्य होता है, उन्होंने त्रासदी को कॉमेडी की तुलना में, कॉमेडी की तुलना में ट्रेजिडी को ज्यादा महत्व दिया, तो जैसे त्रासदी का सब्जेक्ट भव्य होता है, उदात होता है, सबलाइम होता है, बेस्ट होता है, वैसे उसकी भाषा भी अलंकृत और भव्य होनी चाहिए, इसके लिए कवि में प्रतिभा का होना आवश्यक है। जिस प्रकार त्रासदी या ट्रेजिडी का जो सब्जेक्ट होता है वह सबलाइम होता है, श्रेष्ठ होता है, उदात होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी अलंकृत होना चाहिए, भव्य होनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। और इसके लिए क्या चीज आवश्यक है, प्रतिभा आवश्यक है। जैसे भारतीय विद्वानों ने कहा है ना, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास जरूरी है काव्य की रचना के लिए या नाटकों की रचना के लिए, वैसे इन्होंने प्रतिभा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अरस्तु त्रासदी अर्थात दुखांतक ट्रेजेडी के छह अंग मानते हैं। अरस्तु के ये सारे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, ये मत समझिएगा कि मैं जबरदस्ती आपको एलेबोरेट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा बता रहा हूं आपको, ये सारे बिंदु आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि आज के जो परीक्षा का स्टैंडर्ड हो गया वह बिल्कुल डीप नॉलेज रहेगा, तभी आप निकाल पाएंगे। तो अब जैसे प्रश्न पूछ दिया, अरस्तु के अनुसार त्रासदी के कितने अंग होते हैं, तो त्रासदी के छह अंग होते हैं। अब इनमें से कौन शामिल नहीं है बोल देगा, तो छह पॉइंट आपको याद रखना है। तो त्रासदी के कौन से छह अंग होते हैं, पहला होता है कथानक या प्लॉट, जिसे कथा वस्तु भी कहते हैं, पहला हो गया कथानक, दूसरा हो गया चरित्र चित्रण, ये सब यूनानी नेम उन्होंने दिए हुए हैं, इसको बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। तीसरा है पद रचना, पद रचना को डिक्शंस बोलते हैं, पदों की रचना कैसी होनी चाहिए।
इसके बाद विचार तत्व, मतलब कौन से आइडिया है, कौन से विचार की अभिव्यक्ति इन्होंने करना चाहा है। उसके बाद संगीत, संगीत मतलब मेलोडी, संगीत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद दृश्य विधान, दृश्य विधान मतलब रंगमंच की जो सज्जा वगैरह होती है इसे कहते हैं दृश्य विधान। तो कथानक, चरित्र चित्रण, पद रचना, विचार तत्व, संगीत और दृश्य विधान, ये ट्रेजडी के, त्रासदी के 6 अंग माने हैं अरस्तु ने। इसमें भी किसको, किसका किससे संबंध है, कथानक, चरित्र चित्रण और विचार तत्व। कथानक हो गया और चरित्र चित्रण हो गया और विचार तत्व, इनका संबंध किस, ये किसके विषय है, अनुकरण के विषय, इन्हीं का अनुकरण करता है नाटककार। कथानक का चरित्र चित्रण विचार अनुकरण के विषय है, ये सब्जेक्ट मैटर। और दृश्य विधान जो है अनुकरण की विधि है। दृश्य विधान मतलब कैसे हमको प्रेजेंट करना है, कैसे सीन्स हमको बनाने हैं, कैसे जनरेट करने हैं, यह अनुकरण की विधि है। और पद रचना तथा गीत संगीत अनुकरण के माध्यम है। ठीक है, अनुकरण के विषय हमने देख लिया, कथानक चरित्र चित्रण विचार, और दृश्य विधान भी देख लिया, अनुकरण, अनुकरण का यह मेथड है, तरीका है कैसे प्रस्तुत करना है। और गीत संगीत के माध्यम से अनुकरण को प्रस्तुत किया जाता है, गीत संगीत के माध्यम से त्रासदी को प्रस्तुत किया जाता है, तथा त्रासदी की आत्मा कथानक है। त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तत्व क्या है, कथानक है। त्रासदी की आत्मा है और सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, कथानक है। अब अरस्तु के, अरस्तु त्रासदी के 4 भेद मानते हैं, त्रासदी के 4 प्रकार होते हैं उनके उनके हिसाब से, जिनमें से प्रथम 2 संघटना पर आश्रित है तथा शेष 2 उद्देश्य अथवा प्रभाव पर। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के 4 भेद हैं, जिनमें से पहला 2 संघटना मतलब कंपोजिशन पर, कैसे उसका कंपोजिशन किया गया है, और दूसरा है उसका उद्देश्य क्या है, त्रासदी का उद्देश्य अथवा प्रभाव क्या है, बाकी 2 भेद उस पर निर्भर करते हैं। तो ये पहले 2 भेद हैं जटिल और करुण। जटिल किस पर निर्भर करता है, संघटना पर। तो त्रासदी के 4 भेद, पहला जटिल है, त्रासदी का पहला भेद जटिल है, यह स्थिति भी परे और अभिज्ञान पर पूर्णता निर्भर करती है। स्थिति भी परे मैं बता चुका हूं आपको ऊपर में, और अभिज्ञान पर निर्भर करती है। दूसरा है करुण, इसमें भाव की प्रधानता होती है। करुण में क्या होती है, भाव की प्रधानता होती है। त्रासदी के 2 रूप ये हो गए, 2 भेद ये हो गए। इसके बाद नैतिक, त्रासदी का 1 भेद है नैतिक, इसमें नैतिकता की प्रधानता होती है, मॉरलिटी की प्रधानता होती है। और इसके बाद है चौथा सरल, सरल का अर्थ सरलता से है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब अरस्तु ने त्रासद आनंद की भी चर्चा की है, जो क्रिया पर आधारित होती है, यदि क्रिया सद है तो आनंद भी सद होगा। ट्रेजिक प्लेजर, त्रासद आनंद, त्रासदी के बाद मिलने वाला आनंद, इसकी भी चर्चा की है, जो एक्शन पर आधारित है, क्रिया पर आधारित है, मतलब यदि क्रिया भी, क्रिया अच्छी है तो आनंद भी अच्छा होगा, ऐसा उनका मानना है। इसके बाद अरस्तु ने आनंद के भी 2 उल्लेख किए हैं, शुद्ध आनंद, शुद्ध आनंद किसे कहते हैं, जो क्रिया करके तुरंत प्राप्त होता है, जैसे प्रेम का आनंद, जैसे कोई किसी से प्रेम करता है या फिर जो क्रिया करके तुरंत प्राप्त हो जाता है, जैसे कि आप मिठाई खा रहे थे, मिठाई खा के आपको आनंद प्राप्त हो गया, कोई मूवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, या कुछ आप कपड़ा खरीद लिए, या कुछ खरीद लिए, तुरंत आपको आनंद प्राप्त हो गया। और दूसरा क्या है, आकस्मिक आनंद, जो किसी से छुटकारा पाने अथवा अपनी गलती का मार्जन करने पर प्राप्त होता है। आकस्मिक आनंद कैसा है, जैसे कोई किसी को डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया, बोला किसी से परेशान था, या फिर कोई जिंदगी से दूर चला गया जो बहुत परेशान करता था, कोई पड़ोसी है, कोई जो भी है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई शारीरिक अस्वस्थता है और आप स्वस्थ हो गए, या फिर आपने कोई गलती की थी जिसको आपने सुधार लिया, है जैसे आपने कुछ फॉर्म भरा है परीक्षा का, कुछ आपसे गलती हो गई है, बाद में आपको पता चलता है और आपको सुधार करने का मौका मिलता है कि भाई मैंने फॉर्म में ये गलती कर ली है, तो फॉर्म को आप सुधार लेते हैं, तो उसको आकस्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, अरे चलो मैं तो बच गया। तो ये, इसके बाद अरस्तु ने काव्य की परिभाषा दी। काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। काव्य क्या है, काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। काव्य मतलब प्रकृति का अनुकरण है, पहली बात यह हो गई कि काव्य क्या है, प्रकृति का अनुकरण, और किसके माध्यम से, काव्य भाषा के माध्यम से। काव्य भाषा आम बोलचाल की भाषा से अलग होती है, तो प्रकृति का अनुकरण करके कोई कवि काव्य लिखता है, और किसके माध्यम से लिखता है, काव्य भाषा के माध्यम से लिखता है। जो काव्य भाषा होती है वो आम बोलचाल की भाषा से अथवा गद्य की भाषा से अलग होती है, क्योंकि इसमें हम रस, छंद, अलंकार, लय इत्यादि सबका ध्यान रखते हैं। अरस्तु के अनुसार काव्य के 2 प्रयोजन है। अरस्तु के अनुसार काव्य के 2 प्रयोजन कौन कौन से हैं, शिक्षा और आनंद। काव्य का उद्देश्य क्या है, काव्य का प्रयोजन अथवा काव्य का उद्देश्य क्या है, पहला तो है शिक्षा देना और दूसरा हमें आनंद प्रदान करना श्रोताओं अथवा दर्शकों अथवा पाठकों को। काव्य अनुकृति है, अनुकृति मतलब अनुकरण। अनुकृत वस्तु को देखकर अनुकार्य का ज्ञान होता है, इससे हम शिक्षित होते हैं। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं
तब हमको पता चलता है कवि ने किसका अनुकरण किया है, और जिसका अनुकरण करते हैं उसको बोलते हैं अनुकार्य, या जो अनुकरण करने के योग्य है। क्योंकि जब कोई कवि कविता लिखता है तो अनुकरण करता है अरस्तु के हिसाब से, और जब हम कविता को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि इसका अनुकार्य क्या है, किसका अनुकरण करके कवि ने कविता लिखा है। इससे हम शिक्षित होते हैं, क्योंकि कवि तो अच्छी चीजों का ही अनुकरण करेगा, साथ ही यह ज्ञान आनंद भी देता है, और जब हम उसको पढ़ते हैं उस कविता को तब हमको ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कविता के माध्यम से हमें शिक्षा और ज्ञान दोनों प्राप्त होता है, उनका कहना है। अरस्तु ने अनुकरण और सामंजस्य, सामंजस्य मतलब हारमोनी, तो अनुकरण और सामंजस्य के साथ साथ सहज प्रतिभा अथवा निपुणता को काव्य का हेतु माना है। मतलब अनुकरण और सामंजस्य तो जरूरी है कि कवि किसी चीज का अनुकरण करे और उसके विचारों में सामंजस्य हो, लेकिन इसके साथ साथ सहज प्रतिभा, जो स्वाभाविक रूप से प्रतिभा होती है, वह भी महत्वपूर्ण है, और सहज प्रतिभा अथवा निपुणता को भी काव्य का हेतु माना है। मतलब अरस्तु ने क्या बोला है कि काव्य का उद्देश्य क्या है, अनुकरण और सामंजस्य। काव्य का उद्देश्य अनुकरण और सामंजस्य, और इसके साथ साथ सहज प्रतिभा और निपुणता को भी काव्य का हेतु माना है। तो आपने जो भारतीय उसमें काव्य का हेतु आपने देखा होगा, भारतीय काव्य शास्त्र में आपने काव्य का हेतु का लेक्चर देखिएगा, तो प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास से सारी चीजें निपुणता वगैरह हमने उस पर अध्ययन किया है वहां पर। तो इनका मत है कि काव्य पदावली में लक्षणा का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है और यह प्रतिभाजन्य है, इसे उपार्जित नहीं किया जा सकता। काव्य पदावली कविता की रचना करते समय कवि के द्वारा लक्षणा का प्रयोग करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आपको मालूम है कि तीन प्रकार की शब्द शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करना ही महत्वपूर्ण है, और यह स्वाभाविक रूप से कवि की प्रतिभा के ऊपर निर्भर करता है कि कवि कितना प्रतिभावान है, और इसे अर्जित नहीं किया जा सकता, इसे कोई सीख नहीं सकता, यह उसमें जन्मजात प्रतिभा होती है कवि में। अब अरस्तु के काव्य हेतु विषयक मान्यताएं भारतीय आचार्यों की मान्यताओं के निकट है। भारतीय आचार्य ने भी प्रतिभा और अभ्यास को उतना महत्व दिया है जिस प्रकार अरस्तु ने काव्य के उद्देश्य में, काव्य के कारण में, क्षमा चाहता हूं, काव्य हेतु मतलब काव्य का कारण अथवा हेतु। तो काव्य हेतु में भारतीय आचार्यों ने प्रतिभा और अभ्यास को अत्यंत महत्व दिया है, उसी प्रकार अरस्तु ने भी महत्व दिया है प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास, लेकिन अरस्तु ने प्रतिभा और अभ्यास को महत्व दिया है। अरस्तु ने विविध आधारों पर काव्य के विविध भेद किए हैं। अब इन्होंने काव्य के भी कैटेगराइजेशन किया है, इनको भेद किया है। पहले कवि के व्यक्तित्व के आधार पर काव्य दो प्रकार के होते हैं, वीर काव्य और व्यंग काव्य, कवि के व्यक्तित्व के आधार पर। और गंभीर और उदात्त कवि वीर काव्य की रचना करते हैं, मतलब गंभीर जो कवि है, जो सबलाइन कवि है, जो श्रेष्ठ कवि है, वे वीर काव्य की रचना करते हैं, जबकि क्षुद्र कवि विनोदी कवि व्यंग काव्य का व्यंग काव्य की रचना करते हैं। मतलब जो बहुत ही महान कवि हैं वो वीर काव्य की रचना करते हैं, जो लो स्टैंडर्ड के कवि हैं वो कॉमेडी और व्यंग काव्य की रचना करते हैं। इनके अनुसार विषय के अनुसार काव्य के तीन भेद होते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कथानक है, उसके आधार पर काव्य के तीन भेद होते हैं। पहला है उदात्त काव्य। उदात्त काव्य मतलब सबलाइन पोएट्री। सबलाइन पोएट्री क्या होती है, जैसे महाकाव्य, इन्होंने कहा उदात्त मतलब श्रेष्ठ काव्य कौन सा है, महाकाव्य। इसके बाद ट्रेजेडी और देव सूक्त। देव सूक्त मतलब देव मंत्र या फिर देवताओं के कथन, इन पर जो आधारित होता है, इन विषयों पर जो आधारित होता है, वे उदात्त काव्य कहलाते हैं। यथार्थ काव्य क्या होते हैं, यथार्थ मतलब जो हमारे जीवन का यथार्थ से संबंधित होते हैं, यथार्थ जीवन से संबंधित काव्य होते हैं यथार्थ काव्य, ट्रू इंसिडेंट पर जो आधारित होते हैं। इसके बाद क्षुद्र काव्य क्या होते हैं, लो स्टैंडर्ड के काव्य, इसके अंदर कॉमेडी अथवा प्रहसन, प्रहसन मतलब हंसी मजाक व्यंग, कॉमेडी और गीति काव्य आदि आते हैं। गीति काव्य मतलब जिसको हम गा सकते हैं गाने के रूप में। इसके बाद अनुकरण की पद्धति या रीति के अनुसार, अनुकरण की पद्धति या रीति के अनुसार काव्य दो प्रकार के होते हैं, समाख्यान काव्य और दृश्य काव्य। अनुकरण किसका अनुकरण किया जाता है, अनुकरण का मेथड क्या है, तरीका क्या है, इसके आधार पर दो प्रकार के काव्य होते हैं, समाख्यान काव्य और दृश्य काव्य। और समाख्यान काव्य का प्रमुख भेद महाकाव्य है, महाकाव्य भी इसके अंतर्गत आता है समाख्यान काव्य के अंतर्गत। और दृश्य काव्य के अंतर्गत दो भेद आते हैं, ट्रेजेडी एवं कॉमेडी, इसमें भी उन्होंने ट्रेजेडी को ज्यादा महत्व दिया है। और पोएट्रीज के छठे अध्याय में ट्रेजेडी की सभी विशेषताएं अरस्तु ने निरूपित की है। मतलब यदि यह पूछा जाता है कि पोएट्रीज के किस भाग में ट्रेजेडी की उन्होंने व्याख्या और विवेचन किया, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया, तो ट्रेजेडी के छठे अध्याय में उन्होंने बताया। आपको मालूम होगा कि जो यूजीसी नेट जीआरपी परीक्षा होने वाली है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, और
11 दिसंबर 2023 को यूजीसी नेट का एग्जाम होगा हिंदी सब्जेक्ट का, 11 दिसंबर 2023 को। तो आप वहां पर जाकर आप देख सकते हैं उनके वेबसाइट पर, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि यह लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा और परीक्षा में बहुत काम आएगा। तो इसको आप शुरू से अंत तक आपने देखा होगा तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का एपिसोड कैसा लगा और अपने मित्रों के साथ भी इसे साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।